रोजी का रोटी का, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में हम बेरोजगार हुए हैं। जितने लोग जितने साथी अभी मौजूद हैं महसूस करते हैं कि हम लोग के हाथ से रोजगार का जमीन, रोजगार का साधन जमीन हाथ से चला गया, जिसे हमको रोजगार देता था एक पुरुष में ही कई पुरुष लगातार हम लोग का जीने का, रोजी रोटी का, परवरिश का साधन था, वो चला गया। थोड़ा बहुत कहीं कहीं तो क्षतिपूर्ति मिला, लेकिन हमारा जो रोजी का क्षति हुआ, रोजी छीना गया, उसके संबंध में कोई विचार, कोई चर्चा नहीं किया गया। तो इसलिए आज गांव में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी की संख्या बढ़ी है, शहर में भी बढ़ा है, लेकिन आज जिनको इसके बारे में चिंतन करना चाहिए, समाधान करने का प्रयास करना चाहिए, वो इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा। कहने का मतलब जो आज तक सत्ता में रहा आज़ादी के बाद, तब से जो हमारे हाथ से भू अधिग्रहण के जरिए जमीन जो हमारे हाथ से जाना शुरू किया, हम बेरोजगार होते गए, हमारा रोजी रोटी के बारे में ख्याल नहीं किया। दूसरे तरफ अभी जो सत्ता में है, ये अधिकतर समय, अधिकतर सोच विचार आपका धर्म पर लगा रहा है। धर्म जरूरी है, इसको मानते हैं हम लोग, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरत है रोजी का, रोटी का। धर्म के बिना हम जिंदा रह सकते हैं, लेकिन रोटी के बिना जिंदा नहीं रह सकते। मनुष्य क्या, कोई भी जीव भोजन के बिना जिंदा नहीं रह सकता। मनुष्य छोड़ करके दूसरे जीव जो है वो धर्म के बिना जिंदा है, खाना के बदौलत। हमारा भी जो मनुष्य का भी जो प्रारंभिक समय था, जब हमारा इतना होश आवास नहीं था, उस समय धर्म भी नहीं था, लेकिन हम लोग मनुष्य भी जिंदा थे। तो मेरे कहने का मतलब है कि धर्म जरूरत है, लेकिन उससे ज़्यादा जरूरत भोजन का है। भोजन के बारे में भी सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, और रोजी के लिए रोजगार का व्यवस्था करना चाहिए, जो नहीं कर रहा। दूसरे सरकार ने तो इस तरह का झूठ बोला नहीं, लेकिन जो वर्तमान सरकार है, इन्होंने इस चीज़ को समझती हैं कि आदमी को जिंदा रहने के लिए रोजी और रोटी का ज़रूरत है, इसलिए शुरू में ही उन्होंने कहा था
कि अगर वे सत्ता में आते हैं तो हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, युवाओं को। लेकिन आज 10 साल हो गया, 10 साल में अभी 1 करोड़ लोगों को भी नौकरी नहीं मिला, और 1 करोड़ से ज़्यादा लोग कोलियरी बंद होने से, कारखाना बंद होने से, और भी छोटा छोटा उद्योग बंद होने से बेरोजगार हो गया उल्टा। और हम जो श्रम करते थे, रोजी रोटी का व्यवस्था हम खुद करते थे, वो जमीन हमारे हाथ से छीन गया, और वो पोतिया अभी भी चालू है।